चलो सफ़र की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। रास्ते में ये जो पड़ता है ना हिल स्लाइडिंग, सही में बहुत डेंजरस होता है ये भी यार। आप जब भी आए पहाड़ पर, जब भी राइड करें, तो जितना हो सकता उतना सेफ्टी का ध्यान रखें। अभी हम हरिद्वार से लगभग 120 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग में हम थोड़ा रुकेंगे, वहाँ पे दो नदी का जो संगम है उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ दो नदी का संगम है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा का। दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है गंगा। पहाड़ों पे अपने हर एक टर्न पे ये जरूर ध्यान रखना, हर एक ब्लैंक टर्न पे आपको हॉर्न जरूर मारना। फिलहाल आप भी मेरे साथ सफर का आनंद लीजिए, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत पहाड़ों को देखिए। भाई लोग थोड़ा पीछे रह गए, हम लोग रुके हैं यहाँ पे भी चाय पीने के लिए, जिसका नाम है राणा दा ढाबा। अभी इधर चाय ऑर्डर हमने कर दिया है, भैया ने चाय भी बना दी है। चाय बनके रेडी हो चुकी है। लगभग 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने अभी कवर कर लिया है। थोड़ा रुके हैं चाय वाय पीने के लिए, चाय पी के टेस्ट बताता हूँ कैसा है। बढ़िया। भाई लोग पीछे रुके हैं कहीं फ़ोटो वोटो लेने के लिए, तो ड्रोन वोन उड़ाया होगा शायद, उनकी वेट कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे, फिर हम निकलते हैं चाय वाय पी के। हाँ भाई, चाय कैसी बनी भाई? बेहतरीन, थकान दूर हो गई। बहुत बढ़िया, बढ़िया बनी, स्वाद आ गया पूरा, थोड़ी थकान दूर हुई भाई। हाँ बिल्कुल भाई, क्या कहना चाहोगे? गजब गजब गजब। दीपक भाई अब ले लेंगे। हेलो भाई, अब निकल चुके हैं चाय पी के देव प्रयाग के लिए। जस्ट थोड़ी देर में ही अभी देव प्रयाग आ जाए। लो हम पहुँच गए दोस्तों देव प्रयाग। ये देव प्रयाग की स्टार्टिंग की मार्केट है। किस नदी का है यहाँ पे संगम? भागीरथी, एक का पानी बिल्कुल नीला हरा और एक का मटमैला। भागीरथी अलकनंदा है। हाँ अरे ये देख पानी, और अभी नीचे जाके पता चलेगा स्पीड तो भाई इसकी कैसे हो रहा है। पूरा पानी अभी तो नीचे नीचे जाके पता चलेगा बहाव कैसा है, ऊपर से कुछ नहीं लगता। शोर उड़ देंगे आज हम यार, ऐसा है ना जब इतनी दूर आ रहे तो थोड़ा अलकनंदा साफ वाला पानी है, है? हाँ ये अलकनंदा है साफ वाला पानी। हाँ दूसरी वो भागीरथी, और वो है? वो दूसरा भागीरथी। भागीरथी मैं यूँ कह रहा, जब इतनी दूर आए
तो 100-200 मीटर चलने में क्या दिक्कत है? नहीं भाई, अब जब कवर ही एक ही चीज़ होनी, इसके बाद तो कोई चीज़ कवर ही नहीं होनी। अरे यार पता क्या, हर बार ऊपर ऊपर से देख के जा रहे थे, एक दिन मैंने फैसला कर ही लिया मैंने नीचे जाऊँगा। किधर ब्रिज पे? वही तक आ सकती है बाइक अगर आएगी तो। हाँ बाइक अगर आएगी तो वही तक आएगी। देखो फिर, वाह वाह वाह, उधर भी आप बेहतरीन सीन है। इधर से जाते हुए कई मार्केट भी पड़ेगी बीच में, शूज की, कॉस्मेटिक की, कपड़े की, आपको जो चीज लेनी होगी वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। एक प्रकार की लोकल मार्केट है, होटल वोटल खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ से। प्लास्टिक कप की कपड़ों की, इनफैक्ट बर्तन की भी, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रही है। सर्दी जो है यहाँ की अभी नॉर्मल लग रही है, इतनी सर्दी नहीं लग रही है। आप फरवरी के टाइम की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक का मौसम जो है वो ठीक है, एकदम ज़्यादा सर्दी नहीं है। पहुँच गया क्या भाई? वो हाईवे से एक राइट साइड में ना मार्केट पड़ेगी, फिर राइट साइड में आपको टर्न होना पड़ेगा, फिर वो जाके लोकेशन आएगी, जगह आएगी जहाँ से आपको यहाँ पे आने का रास्ता मिलेगा। ये वाला ब्रिज है, अब इस ब्रिज से आके फिर यहाँ तक आ सकते हो। हो गंगे मैया, आप समझ जाने से मैंने 3000 रुपए दे दिया। नमस्कार दोस्तों, अभी हम पहुंच गए देवप्रयाग, जहां पे दो नदियों का संगम होता है। आप अगर इधर आओगे तो देखोगे यहां पे दो नदियों का संगम हो रखा है। इट साइड अगर देखोगे तो आपको दिखेगी अलकनंदा, जो कि बहुत ही तेज़ रफ्तार में चल रही है, उसका प्रेशर काफ़ी है। और अगर आप उस तरफ देखोगे वो दूसरी वाली नदी क्या था, दूसरी वाली नदी भागीरथी, वो और जो ये चल रही है ये बिल्कुल शांत चल रही है एकदम। तो यहाँ पे दो नदियों का संगम होया है, अभी फिर यहाँ पे जाके ये मिल जाती है। देखो यहाँ से भागीरथी आ रही है और यहाँ से अलकनंदा आ रही है, यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। अभी इसकी आगे की वीडियो में हम आपको यहाँ का ड्रोन शॉट दिखाएंगे, तो यूँ ही वीडियो पर बने रहिए। धन्यवाद।
शिव शंभो। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्बुजंग तुंग मालिका मंट 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 मन्निनाद वट्ट मरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः भगवान ने सब यहाँ तपस्या कर लिया है। इसमें पांच नदियां हैं। अच्छा जी, पांच नदियां, पांच नदियां, पांच नदियां हैं इसमें। अच्छा, कौन कौन से? ये बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे है। हाँ जी, माना गांव है। हाँ, माना गांव में सरस्वती नदी प्रकट है। जी जी जी, वहाँ पे सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम है। अच्छा अच्छा, उसके बाद में है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। ठीक। उसके बाद में है नंदप्रयाग, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडर नदी जी और अलकनंदा का संगम है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में जो केदारनाथ से नदी आती है जी, मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। यहाँ पे अलकनंदा भागीरथी का संगम है। ये जटाशंकरी है, शंकर जटाओं से निकली है। ठीक है, वो विष्णुपद चरणों से निकली, वो विष्णुपदी है जी। यहाँ से ब्रह्म कमंडली बनी, यहाँ से गंगा की धारा बनी है। आगे चलकर क्या बन, ये गंगा बनी है, ये गंगा बन जाता है। यहाँ से पड़ा है, यहाँ से गंगा नाम पड़ा, गंगा पड़ा, ये गंगा सागर में, ये यहाँ से जाके इलाहाबाद में यमुना जी से मिलती है, यमुनोत्री से निकली है। अच्छा अच्छा, जब इनका संगम होता है तब ये गंगा बन के सीधे वहाँ गंगा सागर में मिली है, समुद्र में। समुद्र गंगा यहीं से बनी है ना? गंगा यहीं से बनी, गंगा की उत्पत्ति यहीं से। ये रामचंद्र जी का क्षेत्र है जी। रावण को मारने के बाद भगवान रामचंद्र जब यहाँ आए, यहाँ उन्होंने तपस्या किया, अपने पितरों का पिंडदान किया। अच्छा, क्यों? ब्रह्म हत्या लगी थी। ठीक है, रावण को ब्राह्मण मारा था जी जी, तो यहीं पे भगवान ने तपस्या किया। यहाँ पे भगवान का बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसी मूर्ति आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली। 5.5 फुट की मूर्ति है भगवान की। यहाँ पे, यहाँ से आप ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे जी, तो यहाँ पे मंदिर है, 5.5 फुट की मूर्ति, 5.5 फुट की, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है। यहाँ पे ये रामकुंड है, राम जी के नाम से है ना जी। पुल दिखाई दे रहा है जी, ये वाला पुल, ये रामकुंड है। अच्छा, यहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है, बैसाखी। हम लोगों को क्या है, हिंदू को, हिंदुओं का जो बदलता है, क्या साल बदलता है, हम लोगों के संवत्सर के हिसाब से बदलता है। जैसे अंग्रेजों का 1 तारीख जनवरी से बदलता है, हम लोगों का नए संवत्सर से बदलता है। तो यहाँ पे बैसाखी को 3 दिन का मेला लगता है। तो ये रामकुंड है, यहीं पे लोग पूजन वूजन करने आते हैं, नहाने धोने आते हैं जी, यहाँ भी आते हैं। 3 दिन का मेला लगता है, 3 दिन। ये राम जी का क्षेत्र है पूरा। गंगा आरती आ रही है अभी, गंगा आरती हो रही है। हाँ, अभी होने वाली है आरती। अप्रैल में है, भाग्य है, अभी टाइम पे आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा है।